हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट काशी नज़ीर आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग जॉब के वैकेंसीज की ओर लेके आपके साथ जनाब हाजिर हो चुका हूँ। जनाब आज मैं जो है ना आप लोगों को पाकिस्तान की एक और बड़ी कंपनीज के अंदर जो है ना जॉब आ चुकी हैं, और एक दो जॉब नहीं है यानी कि काफ़ी सारी पोस्ट उसके अंदर आई हुई और सारी बेहतरीन पोस्टों के ऊपर जो है ना उनकी वैकेंसीज आई हुई हैं। सब कुछ चल के मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर गाइड करता हूँ कौन सी कंपनी है, कैसे अप्लाई करना है, घर बैठे कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट वगैरह, क्या क्राइटेरिया वगैरह, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो वीडियो को लाजमी से वॉच कर लीजिएगा। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा। और जनाब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो जनाब यहाँ पे देखिए, जो हमारी सबसे पहले मैं आप लोगों को कंपनी का नाम बता दूँगा किस कंपनी के अंदर जो पोस्ट आई हुई। जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि पाकिस्तान की बड़ी पाकिस्तान ऑर्डिनेंसल फैक्ट्री यानी कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस डिपो के अंदर जो है ना ये जॉब आई हुई है। और अब मैं आप लोगों को नंबर वाइज यानी कि लाइन बाई लाइन आप लोगों को इनकी सारी पोस्ट बताता जाऊँगा। तो आप लोग सारी पोस्टों को गौर से ध्यान से सुनिएगा। इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टें आई हुई हैं, कुछ हाई लेवल के भी हैं और कुछ लो लेवल के भी हैं। तो आप लोग जिसके अंदर अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर लीजिएगा। जी जनाब यहाँ पे देखिए, हमारी सबसे पहले इसके अंदर जो हमारी पोस्ट आई हुई है आई हुई है असिस्टेंट स्टोर कैपर की आई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आप लोग क्राइटेरिया यहाँ पे समझ लें कि यहाँ पे देखें ये जो वैकेंसीज आई हुई वो आई हुई है पंजाब से, यानी कि वैकेंसी आई हुई है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल मेन यहाँ पे जो हमारी बात आ जाती है बात है क्वालिफिकेशन की। तो इसके अंदर जो है लोगों ने क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है वो मांगा हुआ यानी कि मिनिमम जो लोग है ना वो मैट्रिक वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम मैट्रिक वाले, और बाकी मैक्सिमम आप लोगों के पास जितना भी हो वो मैटर नहीं करता। बाकी जनाब इसके अंदर उम्र की है तो आप लोगों को बता दूँ कि 18 से 30 साल जो है ना वो मैक्सिमम एज लिमिट है, यानी कि 18 साल से लेकर 30 साल तक मैक्सिमम एज लिमिट है इन लोगों की। ठीक है जनाब, अब हमारी सेकंड पोस्ट हम लोग देख लेते हैं तो आई वी सोल टेक्नीशियन कम ऑपरेटर के अंदर। ये भी जनाब हमारी पंजाब से वैकेंसीज आई हुई है। इसके अंदर भी जो मिनिमम इन लोगों ने क्वालिफिकेशन लेवल बताया वो भी इसके अंदर मैट्रिक वाले यानी कि अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितना भी आप लोगों के पास वो वेल गुड है। बाकी अगर एज लिमिट की बात करूँ तो इसके अंदर भी जो है ना वो 18 साल से लेकर 30 साल तक जो है ना मैक्सिमम एज लिमिट है, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद थर्ड पोस्ट देखें हमारी जो आई वी आई वी है कमांडर्स के अंदर आई वी है। ठीक है जनाब, अब यहाँ पर ये देखें कि ज़रूरी नहीं कि पंजाब से यानी कि ऑल ओवर पाकिस्तान से इसके अंदर पोस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखें इसके अंदर क्वालिफिकेशन लेवल की बात करो तो इसके अंदर भी वही मिनिमम के मैट्रिक वाला इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जनाब इसके अंदर भी एज लिमिट वही है कि 18 साल से लेकर 30 साल तक मैक्सिमम इन लोगों की एज लिमिट है। अब हमारी चौथी पोस्ट यहाँ पर आ जाती है कि वो आई वी सी एम डी के अंदर आई वी यानी कि ड्राइवर के अंदर आई हुई पोस्ट। अब इसके अंदर आप लोग बात करें तो इसके अंदर भी पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर क्वालिफिकेशन लेवल इन लोगों ने मांगी हुई वाई में प्राइमरी यानी कि प्राइमरी वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अंदर भी एज लिमिट वही है कि 18 साल से 30 साल तक, यानी कि जितनी भी इन लोगों की पोस्ट आई हुई है ना बार बार मैं आप लोगों को क्या बताता रहूँ कि सबके अंदर जो इन लोगों ने मांगा हुआ है वो 18 साल से लेकर 30 साल तक मैक्सिमम इन लोगों की एज लिमिट है सारी पोस्टों के अंदर, जितने भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ या आगे बताने जा रहा हूँ सबके अंदर। ठीक है जनाब, अब अगली हमारी पोस्ट देख लें वाई वी ए फॉरमैन के अंदर। ठीक है जनाब, इसके अंदर भी ओवरऑल पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो, और इसके अंदर जो एज लिमिट है वो भी वो एज लिमिट मैंने आप लोग बता दी, क्वालिफिकेशन लेवल जो है वो प्राइमरी मांग रहे। उसके बाद अब जनाब अगली पोस्ट देख लेते हैं तो अगली जो हमारी पोस्ट आई हुई वो आई वी लेबर के अंदर, यानी कि जो लेबर वगैरह होती है ना उन लोग लेबर जो होती हैं इन लोगों की, उसके अंदर जो है ना इन लोगों की पोस्ट आई हुई है। इसके अंदर अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ओवरऑल पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हर पोस्ट के अंदर जो है ना 18 साल से लेकर 30 साल तक मैक्सिमम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन लेवल की बात करूँ तो प्राइमरी वाले इसके अंदर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम। ठीक है जनाब, अब हमारे आ जाती है अगली नेक्स्ट जो हमारी लास्ट पोस्ट इसके अंदर जो आई हुई है वो आई हुई है सेंट्री वर्कर की हमारी इसके अंदर जो है ना पोस्ट आई हुई है। इसके अंदर अब अगर बात कर लें तो ओवरऑल पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी जनाब क्वालिफिकेशन लेवल की बात करूँ तो प्राइमरी वाले यानी कि मिनिमम जो है ना प्राइमरी वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, और मैक्सिमम जितनी आप लोगों के पास हो तो वेल गुड है। ठीक है जनाब, अभी मैंने आप लोगों को सारे जितने भी लोगों की पोस्ट आई हुई थी मैंने आप लोगों को बता दिया इनका पूरा क्राइटेरिया वगैरह जितना सब कुछ था मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब आती है मेन पॉइंट कि आप लोगों ने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात जो इंपॉर्टेंट लोगों की वो शेयर करना चाहूँगा कि ये देखें जो आप लोगों ने मेरे ऊपर आप लोगों को पोस्टें बता दी, वीडियो की स्क्रीन पर आप लोगों ने देखें इनका ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं कोई फेक वगैरह नहीं दिखाता, आप लोगों को ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट हर जॉब के मेरी आप लोग पूरे YouTube चैनल पर चेक कर लो। मेरी जो भी हाँ मैंने जॉब बताई हुई ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के साथ ही मैंने जॉब्स बताई हुई आप लोगों को सामने वीडियो के स्क्रीन पर चल रही होती है।
अब आगे जनाब, मेन बात मैं आप लोगों को क्या बताने वाला था कि देखिए इन लोगों के नीचे जो है ना, इन लोगों के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यानी कि इन लोगों दरखास्त जमा करवाने का तरीका वगैरह, यानी कि इनके डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने इसको अप्लाई करने से पहले ना, आप लोगों ने इसको लाजमी से ना जो है ना रीड आउट कर लेना है। उसके बाद अब आते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। आप लोगों ने अप्लाई करने के लिए ना जो है ना, आप लोगों ने चले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोगों को वहाँ पर जो है ना, इन लोगों का जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को वहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, जो आप लोगों ने इससे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोगों ने अपनी डायरेक्ट सीवी सेंड कर देनी है आप लोगों से रब्ता वगैरह करके। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना, इन लोगों को एड्रेस भी मिल जाएगा, और आप लोग वहाँ पे जाना चाहते हो तो आप लोग वहाँ पे भी जा सकते हो, वैसे कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। तो मैं ये तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग घर बैठे सुकून से अप्लाई करो। बाकी जनाब, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरी वीडियो इंशाल्लाह से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचती रहे। तो मिल